और किसी में सभी अच्छे गुणों का। तो भगवान जो है कहने लगे रुक लक्ष्मण इतनी गर्मी ठीक नहीं, बोले समाई कह रही दिल डांट तेरे में काम आऊंगी, बोले इतना गुस्सा नहीं सहज पके सो मीठा हो आराम से, बोले ठीक है फिर रुक गए लक्ष्मण। बोला तो फिर ही बस वचन का क्या होगा, बोला एक दो दिन रुक, एक दो दिन और देखा। जब दो चार दिन बीत गए तो लक्ष्मण बोला इब जाऊं मारू, बोला मारा मन आराम से कह दे भाई तू अपना काम तो करवा लिया, जो वचन दे रखा उन्हें भी पूरा कर। तो यहाँ पर एक कथा आपको शिक्षा देती है, आप भी कुछ बोल के भूल रहे हो कि ते धागा बांध के भूल आए हो, चुंदड़ी बांध के भूल आए हो, या कि मैं पाड़ बांध के भूल आए हो, या कि मैं वचन दे के पल्ला गांठ लगा लियो कि भाई मेरा नू हो जाएगा जब मैं नू कर दूंगा। तो अपना सामने सोनते पहला सोच लियो, अभी सोचोगे तो कथा रह जाएगी, सामने पांच मिनट में तो नींद आती नहीं है, एक मिनट में लंकापुरी से नींद्रा देवी आएगी, लेटेंगे धीरे धीरे नींद का मूड बनाएंगे, भाई नींद को बुलावा देंगे, जब आवेगी तो इतना नींद आवेगी इतने सोच लेना, अगर नहीं भी सोच पाए तो इसी सोच विचार में सो गए तो रात में सपने में आपको वो चीज याद आ जाएगी कि आप वहाँ धागा बांध गए, वहाँ चुंदड़ी बांध गए, खोल कर नहीं आए। तो आपके बढ़ते बढ़ते काम रिश्ते वाले तो आते हैं बच्चों के, पर होता नहीं है, दोबारा जवाब ही नहीं आता, या हाँ होगी फिर ना होगी, नौकरी का सारा काम होगा जरा से पर फिजिकल पर या क्या अटक गया सारा हो गया, तो आपका काम बनता बनता रुक रहा है, यानी आप कहीं बंधन बांध का रहे हो, उस बंधन को खोलो तो आपका भी काम का रास्ता खुलेगा। जब सारे काम हो जाएंगे तो हम क्यों बंधन खोल लेंगे, भगवान रोक देते हैं अपने दिमाग से सोच, और जो बंधन बांध के जा रहे हैं उसको खोल, हम कौन होते हैं भगवान को बांधने वाले, तो बोले उसको खोल कर जा, जब ही रास्ते खुलेंगे काम के। हर काम का यही मतलब है, बढ़ता बढ़ता रुक रहा है तो हम कहीं कुछ करके भूल, तो आप अपने को सोने से पहले याद करना भगवान राम जी का ध्यान करके प्रार्थना करके, प्रभु मैं गलती से कुछ भूल गया या जान कर भूल गया आप जानो, पर मेरे को जो है आके सपने में बताओ मैं क्या भूल गया। अब सुग्रीव से जाकर लक्ष्मण ने कही याद दिवाया, अब बोला ये तो मेरे से बहुत गलती हो, आए सुग्रीव और लक्ष्मण कहने लगे प्रभु जितनी किष्किंधा नगरी की मेरे राजा होने में जितनी भी मेरे पास सेना है सारी मैं आपके अर्पण करता हूँ, जहाँ काम लिया जा ले लो। राम जी ने चार सेनाएं बनाई, चार हिस्से बना दिए भाई, एक पूर्व की तरफ जाए, एक पश्चिम में जाए, एक उत्तर में जाए, एक दक्षिण में जाए। अब जो सेना एक एक उनका हेडमास्टर बना दिया भाई, इतना ना तू संभालेगा, इतना ना तू संभालेगा, इतना ना तू, इतना रोटी। अब जो सेना हनुमान जी की जिम्मेवारी में थी, हनुमान जी तो जानते थे, सारी सेनाएं बनी, जैसे ही सेना बना दी इतने आदमी इधर जाओ चल पड़े, लेकिन हनुमान जी जाने लगे तो हनुमान जी बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम जी समझ गए सीता का पता या सेना लगा था। राम जी ने अपनी अंगूठी उतारी और हनुमान जी को दे दी, बोले ये अंगूठी ले जा, बोले प्रभु इसका क्या करूंगा, बोले सीता आपको पहचानेगी कैसे, ये अंगूठी सबसे पहले राजा जनक ने मेरे नाम की राम नाम की अंगूठी मुझे सगाई में दी थी, जब से ये अंगूठी नाम की चली तो बोला इस अंगूठी से सीता मुझे पहचान जाएगी, ये अंगूठी मेरे स्वामी की, नहीं तो वो आपको कैसे पहचानेगी। बोला ठीक है अंगूठी दे दी। अब हनुमान जी लेके अंगूठी और सेना चल पड़े, जब थोड़ी दूर गए आगे बहुत बड़ा समुन्द्र था, कहने लगे छोटे छोटे भालू बंदर हैं ये कैसे पार करेंगे समुन्द्र को। अब हनुमान जी सोच विचार में